हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। सो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नहीं करा रही हूँ वो बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को ऑटोमेटिकली खुद से कर पाएंगे, राइट? सो यहाँ पे मैं कुछ डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस ही पिक करके आपको इस एक्सरसाइज 5.1 में सॉल्व करके दिखाऊंगी, राइट? सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी, जिसमें आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है कुछ इस तरह से। आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें कोई पॉइंट प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो हम खुद सेलेक्ट कर लेंगे कि हम कर रहे हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक एट एक्स equals to a। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रही हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, f के अंदर a माइनस h। सो जहाँ पर a माइनस h है वहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? a माइनस h, दैट मीन्स a माइनस h माइनस 5। सो यहाँ पर जैसे ही आप h की वैल्यू 0 डालते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है? a माइनस 5। मॉड में वैल्यू जो आती है वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, राइट? सो यहाँ पे इस स्टेप को आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, राइट? और वैसे ही आपको वैल्यू क्या देता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। सो यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट लगाती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है कुछ इस तरह से, एफ ऑफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस 5। अब यहाँ पर भी h की वैल्यू जैसे ही 0 डलेगी तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? दिस। अब एट दैट पॉइंट भी आप चेक करो, अगर आपका फंक्शन क्या है इस तरह से है और इसमें a डालते हो जैसे ही, आपके पास वैल्यू क्या आती है? लाइक दिस। तो आप ये देख रहे होंगे। सो यहाँ से क्लियर है कि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट भी वही आपको इक्वली आंसर दे रही है। सो हेंस दिस इज कॉन्टिन्यूस। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको किस तरह से वैल्यूज दे रखी हैं, आपको अपने इन फंक्शंस की वैल्यू 2 वैल्यूज पर चेक करनी है। और वो क्यों? आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पास एक माइनस 3 वैल्यू भी है और एक 3 वैल्यू भी है, ठीक है? तो यहाँ से क्लियर है कि आपको माइनस 3 और 3 वैल्यू पर भी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो अभी तक आपके पास क्या होता था कि एक पॉइंट पे आप चेक कर देते थे, तो यहाँ पर इस फंक्शन में, इस तरह के क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे के क्वेश्चन में भी मिलेंगे, राइट? सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिमिट लगा रही हूँ एट एक्स टेंड्स टू 3 के लिए मैं चेक कर रही हूँ, और उसकी क्या निकाल रही हूँ? लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है? सो यहाँ पर जैसे कि मैंने माइनस 3 वैल्यू ली है, सबसे पहले एट माइनस 3 पर चेक कर रही हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हो एट एक्स इक्वल्स टू 3, इसके लिए आप चेक कर रहे हो, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? व्हेन योर एक्स इज लेस देन 3। सो आपकी जब x की वैल्यू 3 से कम होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वो फंक्शन आएगा। तो वो फंक्शन कहाँ पे है? व्हेन x लेस देन 3। तो ये वाला फंक्शन आपको यूज करना है। सो फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस एच। 3 इसलिए क्योंकि आप इस पॉइंट पर ही चेक कर रहे हो अपने लिमिट, ठीक है? सो अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा है आपका? ये वाला है। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर वैल्यू जैसे ही मैं डालूंगी 3 माइनस एच प्लस 3, इस तरह से आपके पास वैल्यू हो जाएगी, राइट? सो जब आप h की वैल्यू इसमें डाल दोगे अब, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी कुछ इस तरह से। सो 3 प्लस 3, 3 यहाँ पे मॉड में है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, मतलब इसके साथ कोई भी साइन नहीं आएगा, ठीक है? सो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा और आपके पास 3 ऑलरेडी है, तो इसने आपको आंसर क्या दिया है? 6। सो सेम इसी के लिए, इसी पॉइंट पर हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर प्लस का साइन आएगा क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेना है वो भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये वाला फंक्शन तभी यूज़ कर सकते हो या तो इक्वल टू 3 या तो लेस देन 3 के लिए। अब आपकी वैल्यू 3 से ज़्यादा है प्लस के लिए, सो एक्स की वैल्यू 3 से ज़्यादा कब है? एक्स की वैल्यू बड़ी है 3 से इस फंक्शन पर, राइट? सो यहाँ पर फंक्शन क्या आएगा? 2x। सो 2x के अंदर आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस एच। इस स्टेप से पहले से प्रीवियस स्टेप कौन सा होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर आपकी वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस एच। तो फंक्शन जो था उसके अंदर मैंने वैल्यू 3 प्लस एच डाल दी है, ठीक है? सो अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 6
माइनस टू एच। अब एच की जगह जैसे ही वैल्यू जीरो डालेगी आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ओनली सिक्स। ठीक है, सो एट लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी वैल्यू सिक्स है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू सिक्स है। सो अब आपको फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू एट माइनस थ्री लेनी है। सो एट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री आपके पास कौन सा फंक्शन आएगा, इक्वल टू माइनस थ्री के लिए भी यही फंक्शन है, दैट इज मॉड एक्स प्लस थ्री में आपको वैल्यू डालनी है माइनस थ्री की, क्योंकि हम उस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। सो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू डलेगी मॉड की वैल्यू आपकी एब्सोल्यूट आएगी, सो ओनली थ्री, प्लस थ्री आपका साथ में है ही, वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, इक्वल्स टू सिक्स। सो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली और इक्वल टू एट दैट पॉइंट भी निकाली, ये माइनस थ्री पर तो कॉन्टीन्यूअस है, हैंस कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो अब हमें एक और पॉइंट भी दे रखा है, थ्री पर भी आपको चेक करनी है, क्योंकि थ्री पर भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, लेस देन थ्री के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए भी। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम तीनों पॉइंट सॉल्व करेंगे लाइक दिस, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, सो अब हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, सो थ्री वैल्यू पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं अपनी, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, f के अंदर वैल्यू क्या आएगी, थ्री माइनस एच। सो फंक्शन आपका कौन सा आएगा, जब आपकी वैल्यू थ्री से कम होगी, x की वैल्यू थ्री से कम कब है, इस फंक्शन पे। सो x की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री माइनस एच। सिंपली बस इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इतना ध्यान रखना होता है कि कौन सी वैल्यू पर आपको कौन सा फंक्शन पिक करके आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे आपकी लिमिट जब h टेंड्स टू ज़ीरो डल जाएगी आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस सिक्स। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी वैल्यू आई है माइनस सिक्स, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी कब है, इस फंक्शन पर। ठीक है, सो आपको ये फंक्शन यूज़ करना है, सो इस एक्स के अंदर मैं वैल्यू क्या डाल देती हूँ, थ्री प्लस एच। सो जब आप यहाँ पे एच की वैल्यू ज़ीरो डालोगे, सिक्स थ्री ज़ा एटीन प्लस सिक्स एच प्लस टू, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ट्वेंटी। यहाँ पे वैल्यू आई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस सिक्स, राइट हैंड लिमिट में डिफरेंट वैल्यू आई है, एंड एट दैट पॉइंट भी आपकी वैल्यू क्या है, एकदम डिफरेंट आएगी। फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो तो ठीक है, बट यहीं से आपको क्लियर पता चल चुका है कि एज़ योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, हैंस डिसकॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू थ्री। सो मतलब क्वेश्चन नंबर सेवन कॉन्टीन्यूअस है माइनस थ्री वैल्यू पर, लेकिन डिसकॉन्टीन्यूअस है एट थ्री वैल्यू पर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर एट। सो आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखा है एट ज़ीरो पर चेक करना है। इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए आप ये वैल्यू लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, सो यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, ये वाला। सो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, मॉड में ज़ीरो माइनस एच, और नीचे क्या वैल्यू आएगी, ज़ीरो माइनस एच। सो ये वैल्यू आपको क्या देगा, ओनली एच, और नीचे वैल्यू क्या है, माइनस एच। एच से एच कैंसिल, आपको वैल्यू क्या मिली यहाँ से, माइनस वन। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपकी वैल्यू आई है माइनस वन। सो राइट हैंड लिमिट के लिए भी मेरे पास यही फंक्शन है, तो वैल्यू डाल दो अपनी फंक्शन में। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ऊपर एच नीचे भी एच, दैट मीन्स ओनली वन। सो लेफ्ट हैंड लिमिट पे माइनस वन वैल्यू आई, राइट हैंड लिमिट पे आपके पास वन वैल्यू आई, सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सो क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट्स देख के कभी कभी डर जाते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो यहाँ पे एकदम डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही 0 और 10 लिखा हुआ है, बाकी आपको चेक किस पे करनी है, ओनली 1 एंड 3 पर अपनी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। और ऐसा क्यों है, 0 और 10 पे क्यों नहीं चेक करनी है, रीज़न ये है क्योंकि
आप अगर ध्यान से देखोगे कि 1 के लिए अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करना चाहो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन की, इक्वल टू 1 के लिए भी आपके पास फंक्शन है एंड ग्रेटर देन 1 के लिए भी आपके पास फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही 3 के लिए, लेस देन के लिए फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए फंक्शन है और इक्वल के लिए भी फंक्शन है। लेकिन 0 और 10 ऐसी वैल्यू है जिसके लिए आपको सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू है, इसमें लेस देन 0 के लिए तो वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ वन साइडेड वैल्यू गिवन है आपके 0 के लिए, और 10 के लिए सिर्फ लेस देन वैल्यू है और इक्वल के लिए वैल्यू है, ग्रेटर देन के लिए मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 के लिए आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो आप कॉन्टिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको सिर्फ किस पे चेक करनी है इस फंक्शन में, क्वेश्चन नंबर 14 में एट x इक्वल्स टू 1 वैल्यू पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एंड एट x इक्वल्स टू 3 वैल्यू पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो सबसे पहले एट इक्वल्स टू 1 के लिए चेक कर रही हूँ मैं इस साइड एंड 3 के लिए इस साइड चेक कर रही हूँ। सो लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखो आपके पास वैल्यू क्या आएगी। सो फंक्शन में जहाँ पर x होगा वहाँ पर 1 माइनस h वैल्यू डालेंगे, लेकिन फंक्शन ही आपके क्या है, न्यूमेरिक है या फिर कॉन्स्टेंट कह लो, राइट। वहाँ पर जब आपके पास x वेरिएबल है ही नहीं तो आप ये वैल्यू डाल ही नहीं सकते, तो उस फंक्शन की वैल्यू एज इट इज आपकी आ जाएगी। तो जब x आपका 1 से छोटा होगा मतलब लाइक दिस, व्हेन x लेस देन 1 तो आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी है, ये, तो आपने 3 यूज किया, राइट। अब इसी तरह से एट राइट हैंड लिमिट आप चेक करोगे जब, दैट मींस x की वैल्यू 1 से बड़ी कब है, 4 पे, आपको 4 वैल्यू पिक करनी है जब आपकी x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो 4 जो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है आपको, वो एज इट इज़ लिख दोगे क्योंकि आप x में ही वैल्यू डाल सकते हो और x वेरिएबल यहाँ पर है ही नहीं, तो 4 आई। तो यहाँ पे तो 3 वैल्यू है, यहाँ पर 4 है, तो हैंस डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। हमने 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली है तो हमारी जो वैल्यू है वो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन बता रहा है, ठीक है। अब 3 पे चेक करते हैं, 3 पे जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, दैट मीन्स दिस, जब आपकी 3 की वैल्यू लेस देन, जब आपकी x की वैल्यू लेस देन 3 होगी तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 4, और जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो आपके पास वैल्यू आएगी राइट हैंड लिमिट में 5। सो यहाँ पे ये भी डिफरेंट डिफरेंट है, राइट, हैंस डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपका 1 पर भी डिसकॉन्टिन्यूस है एंड 3 पर भी डिसकॉन्टिन्यूस प्रूफ हुआ है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।